हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, दिस इज सुरेश बजीर एंड वेलकम टू सुरा टेक्निकल। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर फॉर मोर वीडियोस। सो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारा 19th HTML के ऊपर। तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग HTML के अंदर इमेज को एज अ लिंक किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इमेज को एज अ बैकग्राउंड किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यूज़ करते हैं कि इमेज को एज अ लिंक किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर दें। तो गाइस देखें, आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा वाइंड अप किया था। तो गाइस देखें, यहाँ तक है तो इसको पहले कंट्रोल एस करवा के किसी ब्राउज़र के अंदर ओपन करवा लें। अच्छा गाइस देखें, यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है। देखें ये जस्ट ये नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ पे जस्ट 3D इमेज जिस वजह से शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टाइटल में 3D इमेज राइट किया था, तो बाकी जो सारी चीज़ें वो नॉर्मल है। तो अब जो हम लोग यूज़ करेंगे लिंक, लिंक किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस में आए। तो गाइस सबसे पहले जो आपको पता है हम लोग एक एंकर टैग लेते हैं, एंकर टैग, देन जो हम लोग एक एट्रीब्यूट लेते हैं HREF के नाम से, HREF इक्वल टू डबल कोट्स, देन इसको क्लोज करवा लें और गाइस यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज़ करवा लें। तो इस तरीके से गाइस देखें, अब इसको रिफ़्रेश करवाएँ, सॉरी सेव करवा के अब रिफ़्रेश करवाएँ ब्राउज़र में। तो गाइस जैसे ही मैं आप इसको रिफ़्रेश करवाऊँगा, अब देखें अभी कोई यहाँ पे जस्ट जो हमारी इमेज है वो नॉर्मल फॉर्म है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो गाइस आप देखिए यहाँ पे एक हैंड पॉइंटर शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ शो नहीं हुआ, जस्ट ये रिफ़्रेश हुआ, बट देखिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब मैं यहाँ पे कोई लिंक देना चाहता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे लिंक किसकी देते हैं। अच्छा यहाँ पे फ़िलहाल जो पहले मैं गूगल की दे देता हूँ, http://www.google.com। तो गाइस इस तरीके से देखिए हमने एक लिंक दी है। अब देखें, अब इसको सेव करवा के रिफ़्रेश करो, तो कंट्रोल एस सेव करवाए, यहाँ आप लोग यहाँ से भी सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आए क्रोम के अंदर और गाइस यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करवाएं। तो गाइस अब देखें, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम जो है गूगल का जो सर्चिंग बॉक्स है तो वहाँ पर मूव करवा जाए, मूव कर जाएंगे गूगल के अंदर। देखें इस तरीके से अब जो है यहाँ पर सर्चिंग आ रहा, तो गूगल भी शो हो रहा है। तो गाइस देखें यहाँ पर हम लोग एक सर्च बॉक्स के अंदर आ चुके हैं गूगल के ऊपर। तो इसी तरीके से गाइस मैं यहाँ पर कोई और लिंक भी दे सकता हूँ, जैसे ही यहाँ पे मैं फेसबुक की दे देता हूँ, www.facebook.com। तो यहाँ पे अच्छा आप जो इसको सेव करवाएं, कंट्रोल एस करें और यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र में आप लोग सेव रन करवा सकते हैं। तो मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से गाइस देखिए, आप जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोग फेसबुक के अंदर चले जाएँगे। लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन हमें करना पड़ेगा, जो मेन पेज है लॉगिन का हम लोग वहाँ पर चले जाएँगे। देखिए तो फेसबुक लॉगिन या साइन अप मांग रहा है, यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर आएँगे तो हमें जो साइनअप करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरा जो सुरेश ऑलरेडी एक दो अकाउंट खुले हुए थे, ओपन हुए थे, तो यहाँ पे देखें सुरेश नाम से जो मेरा फोल्डर जो यहाँ पे ओपन हो रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा या तो लॉगिन करूँगा, यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाऊँगा। जैसे ही यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डालूँगा, और यहाँ पे पासवर्ड डालूँगा, यहाँ पे ईमेल दूँगा या फ़ोन नंबर दूँगा। तो जैसे मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे मैं डायरेक्टली तो फेसबुक के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। तो इस तरीके से फ़िलहाल इसको रहने दें। तो गाइस इस तरीके से मैं कोई हम लोग कोई भी लिंक दे सकते हैं। अच्छा अब बार ये गाइस हम लोग इमेज को एज ए बैकग्राउंड किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो पहले इसको गाइस रिमूव कर लें यहाँ से आप लोग कम्प्लीटली, ठीक है गाइस। तो एंकर टैग को भी रिमूव कर लें इसी तरीके से, 3D टैग्स को रहने देना है, सॉरी सबको हटा दें पहले आप कम्प्लीटली। अच्छा ये जो इमेज का पाथ है इसी इमेज को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो इसका जो भी टेक्स्ट है यहाँ तक इसको कॉपी कर लें, सॉरी। तो गाइस यहाँ तक इसको कॉपी कर लें क्योंकि हम लोग यही इमेज यूज़ करने वाले हैं। जब भी हम लोग बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ करेंगे तब भी जिस फोल्डर के अंदर हमारी इमेज है उसका पाथ भी लेना होगा और हमें इमेज का पाथ भी लेना होगा, डॉट में जो भी उसकी एक्सटेंशन है वो भी देनी होगी, JPG या PNG कोई भी है। तो इसी तरीके से हमने वही यूज़ कर लिया और उसके साथ अल्ट भी यूज़ कर लिया, 3D इमेज। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जो है मैं इसको बॉडी के अंदर गाइस हम लोग एक टैग यूज़ करेंगे, सॉरी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे बैकग्राउंड के नाम से। तो जैसे ही मैंने B राइट किया यहाँ पे देखें ऑप्शन आ चुके हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज। तो मैं जस्ट बैकग्राउंड पे शो करता हूँ, देखते हैं क्या होता है पहले। तो सॉरी यहाँ पे कंट्रोल V करें और इस तरीके से अब जो इसको हटा दे, ठीक है, कंट्रोल S करें गाइस। अब इसको किसी ब्राउज़र में रन करवाएं, क्रोम में आ जाए भले या किसी और के अंदर, चलो इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ जाते हैं हम लोग। तो गाइस देखें, अच्छा सॉरी आस्क मी लेटर, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे देखें एक इमेज शो हो रही है, तो
तो हम लोग यहाँ से कोई इमेज देखें इस तरीके से यूज़ करवा सकते हैं। तो गाइस देखें यहाँ पे इमेज जो रिपीट हो रही है, यहाँ पर जो हमारी इमेज ख़त्म हुई तो अगेन देखें इमेज जो रिपीट हो रही है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इमेज है वो रिपीट ना हो, एक ही बार यूज़ हो। तो इस तरीके से अगेन नोट पैड प्लस प्लस में आ जाएँ और यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है, सॉरी बैकग्राउंड रिपीट। तो जैसे ही देखें यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो बैकग्राउंड रिपीट भी आ चुका है। तो मैं इसको कॉलन सॉरी कहाँ पे कोई मस बैकग्राउंड रिपीट बैकग्राउंड रिपीट। तो यहाँ पे देखें नो रिपीट, अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉलन नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल की साइन आएगी इस तरीके से। ठीक है गाइस, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट इस तरीके से कहीं पे। तो यार अच्छा तो यहाँ पे गाइस बैकग्राउंड कोई चलो मसला है देख लेते हैं। अच्छा आप देखें गाइस इंटरनेट एक्सप्लोरर में था, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें रिफ़्रेश करवाएं इसको अगेन, यहाँ पे आएँ तो गाइस नहीं हो रहा है। अच्छा तो यहाँ पे गाइस हम लोग इनलाइन सीएसएस यूज़ करेंगे स्टाइल, ठीक है इस तरीके से, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से राउंड रिपीट। तो यहाँ पे जो मैं नो रिपीट कर दूँगा। अच्छा आप कंट्रोल एस करवाएं और यहाँ पे देखें अगेन इसको रिफ़्रेश करवाएं गाइस यहाँ पे क्रोम में या किसी की भी अंदर। तो गाइस देखें आप जो है हमारी फाइल जो है या जो इमेज है वो बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ हो चुकी है, बट वो उसने क्या किया इमेज को जो है रिपीट नहीं करवाया। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ तो गाइस आप देखें अगेन सॉरी, तो इसको जो है फ़िलहाल यहाँ तक इसको कट कर लें और कंट्रोल एस करें। तो गाइस जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा अब देखें रिफ्रेश करवाऊँगा तो जो हमारी इमेज है वो अगेन रिपीटेशन में आ जाएगी। तो गाइस इस तरीके से जो है रिपीट और नो रिपीट का जो हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं और इमेज को एज ए बैकग्राउंड तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आज का लेक्चर इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करें एंड शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।